हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आज के फिर से एक नए वीडियो में। मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर चुका हूँ गाइस, रियलमी C30 फ़ोन के बारे में। और आज का अपना टॉपिक होने लगा इस वाईफाई कॉलिंग के बारे में, जब हम बात करेंगे गाइस। मैं आपको बताऊंगा आज के वीडियो में कि किस प्रकार से गाइस आप अपने फ़ोन में जो है वाईफाई कॉलिंग सेटिंग को ऑन करके अपने डिवाइस में ऑन कर सकते हैं। चलिए गाइस बात करते हैं। बात करने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अपन चलते हैं फोन की सेटिंग में और बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। सिंपली आपको क्या करना है गाइस, सेटिंग को ओपन कर लेना है एंड आपको यहाँ पे देखिए गाइस नेटवर्क एंड इंटरनेट का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको देखिए गाइस सेकेंड नंबर पे कॉल एंड SMS का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको देखिए गाइस वाईफाई कॉलिंग ऑप्शन मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको देखिए यूज़ वाईफाई कॉलिंग विन वाईफाई कॉलिंग इज यूअर फोन व्यू, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद इस सेटिंग को यहाँ से गाइस ओपन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे देखिए कॉलिंग परफॉर्मेंस का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे और आपको गाइस यहाँ पे जो है दो ऑप्शन मिलेंगे, वाईफाई का और एक का जो है मोबाइल नेटवर्क का। सिंपली इसमें आपको जो है वाईफाई कॉलिंग पे ऑन कर देना और इसके बाद जो है आप अपने फ़ोन में वाईफाई कॉलिंग को सेटिंग को जो है ऑन करके अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। आपको जो इसमें कोई भी जो है आपके फ़ोन में अगर बैलेंस नहीं है तो आप उसकी ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप अपने फ़ोन के दूसरे या किसी हॉटस्पॉट लीजिए, फिर अपने फ़ोन में जो है वाईफाई कनेक्ट कीजिए और फिर आप अपने फ़ोन में जो है वाईफाई कॉलिंग को यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी केस में अगर किसी को बात बात करना है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा यूज़फुल सेटिंग है। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ नए वीडियो में। बाय।